नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक कतड़ का। दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर। अब ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है हमारे पास, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन ग्रॉसरी वेबसाइट बना के देते हैं विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 3500। तो 3500 रुपये में जब हम मार्केटिंग करते हैं कि आपकी ऑनलाइन ग्रॉसरी की वेबसाइट बन जाएगी, तो साथ साथ लोग ये भी पूछते हैं कि सर हम लोग वेजिटेबल्स कहाँ से लाएंगे, आलू कहाँ से लाएंगे, प्याज कहाँ से लाएंगे, उसको बेचेंगे कैसे। ठीक है, तो उसके बारे में आज थोड़ा सा एक वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ FMCG प्रोडक्ट्स, ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स, तो वो कैसे कर पाएंगे आपके एरिया में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक वेबसाइट की। अगर आप सस्ता और टिकाऊ वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो 3500-5000 के आसपास एक अच्छी डिसेंट सस्ती टिकाऊ वेबसाइट आपकी बन जाती है। और हमारी बात करें तो हम ये 3500 रुपये में प्रोवाइड करते हैं सस्ती टिकाऊ वेबसाइट। सस्ती देखिए, सस्ती मतलब कैसी, अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे उस तरह की वेबसाइट बनेगी। अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो आपकी वेबसाइट थोड़ी और बेटर बनेगी। अब बेटर वेबसाइट होने के पीछे एक अच्छी बात यह है कि जब भी कोई वेबसाइट आपकी ओपन करता है अपने मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप में, तो उनको रियलिटी में फीलिंग आनी चाहिए कि आप प्रोफेशनल हो और आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर हो ग्रॉफर्स के, बिग बास्केट के, ऐसी कंपनीज के। अगर आपकी वेबसाइट वहाँ पे जमी नहीं, लोगों को विश्वास नहीं आया, आलू का कलर ब्राउन होता है और वहाँ पे अगर ग्रीन कलर दिखने लगा बिकॉज ऑफ रेजोल्यूशन, तो फिर वहाँ पे आपके कन्वर्जन नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एक अच्छी डिसेंट वेबसाइट। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स। तो आप प्रोडक्ट्स कहाँ से लाएंगे, आप सोचेंगे सर इतना इन्वेस्टमेंट हम कहाँ से करेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन ग्रॉसरी का बिजनेस मॉडल आप समझिए थोड़ा सा क्या होता है। आज लोग बुकिंग करते हैं, ज़्यादातर लोग आज बुकिंग करेंगे, कल उनको डिलीवरी देनी होती है। ठीक है, तो आपके वेबसाइट में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो बताए कि कल डिलीवरी होगी इस टाइम के बीच। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है ऑर्डर लेने की। अगर आप दिन में 50 ऑर्डर ले सकते हो, 100 ऑर्डर ले सकते हो, तो उतना ही लिमिट रखना, उससे ज़्यादा लिमिट को मत बढ़ाइएगा, क्योंकि पीछे आपको सामान भी अरेंज करना पड़ेगा। अब सामान अरेंज करने के लिए आपको चाहिए होंगे कॉन्टैक्ट्स और कोलैबोरेशंस। अब यहाँ पे मैं कमीशन मॉडल या फिर एफिलिएट मॉडल ऐसा मैं डिस्कस नहीं करूँगा या बात नहीं करूँगा, कोलैबोरेशन वर्ड जो है वो सही वर्ड है। तो यहाँ पे आपको जो नियरेस्ट सब्जी मंडी होती है, मंडी, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। मतलब कि समझ लो कि 50 किलो आलू का ऑर्डर आया, एग्जांपल 100 किलो प्याज का ऑर्डर आया, तो आपको क्या करना है, पूरे दिन फर्स्ट डे ऑर्डर सारे कलेक्ट करने हैं, नेक्स्ट डे वहाँ पे जाना है। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बैग्स आती हैं प्लास्टिक की, मतलब वो होल्डिंग वाली, वहाँ पे आपको उस डिनोमिनेशन से जिसका जो ऑर्डर आया पैक करके रेडी रखना है। और साथ साथ आप ये भी सोचेंगे शायद कि सर डिलीवरी का क्या करेंगे, वो तो महंगा पड़ जाएगा। तो ग्रॉसरी के बिजनेस में डिलीवरी चार्जेस नॉर्मली एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो 50-100 रुपये के आसपास डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं जो आप फ्री कर सकते हैं अगर आपका ऑर्डर वॉल्यूम जो है वो 1000 रुपये या 1500 रुपये के ऊपर है तो। ठीक है, आप ये भी सोचेंगे कि सर ग्रॉफर्स और बिग बास्केट तो और भी अच्छे प्राइस में देते होंगे, तो उनको कैसे बीट करेंगे। तो देखिए, उनकी भी एक लिमिटेशन है, अभी वो लोग भी ज़्यादा ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो तब आप कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि देखिए 2-3 दिन वेट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी मैं अगर बिग बास्केट में ऑर्डर लगाता हूँ अहमदाबाद में, तो वेट टाइम है 4-5 दिन का। तो 4-5 दिन में आलू प्याज के बिना कैसे रहूँगा भाई। तो यहाँ पे अगर आप कमिटमेंट दे सकते हो कि नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाएगी या लेट्स से कि आपके एरिया में सेम डे डिलीवरी हो जाएगी, तो लोग बड़े खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऐसे छोटे मोटे मंडी वाले हैं उनके साथ कोलैबोरेशंस करना पड़ेगा। साथ साथ आपको जो भी FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो पैकेट फूड्स आते हैं, वो आपके एरिया में बहुत सारे होंगे। एरिया मतलब अगर आप छोटे टाउन में हैं तो बहुत सारे होंगे, नज़दीक में ही होंगे। अगर आप बहुत बड़े शहर में, तो जो सब्जी मंडी होती है उसके आसपास ही बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स तो नहीं कह सकता, बट ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनको आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये बताया कल से आप वेबसाइट ने शुरू कर दी और परसों से बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। पहले आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर मॉडल डिसाइड करना है, जब तक वेबसाइट रेडी होती है तब तक आपको जाके कोलैबोरेशंस करने हैं लोगों के साथ। ठीक है, तो ये प्रोसेस को 15-20 दिन लग जाएगा, उसके बाद आप सेट हो। फिर आपको चाहिए होगा डिलीवरी सिस्टम। तो डिलीवरी के लिए आप एक रिक्शा हायर कर सकते हो पूरे दिन के लिए, नॉट अ बिग डील। CNG की जो रिक्शा आती है वो आई थिंक 1000 रुपये या 500 रुपये में पूरे दिन के लिए बुक कर सकते हो, गैस एक्स्ट्रा। ठीक है,
तो सिंपल हो गया, रिक्शा में जितना सामान आता है ठूसो और आप चल पड़ो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप ऑनलाइन इसको शुरू करना चाहते हैं तो आपको FSSI की ज़रूरत पड़ेगी। GST की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ सकती, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट में सेल कर रहे हो तो GST की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप खुद के स्टेट में सेल कर रहे हो अप टू 40 लाख, आपको GST की ज़रूरत नहीं है, बट FSSI की यहाँ पे आपको मैंडेटरीली ज़रूरत पड़ेगी। तो FSSI आपको लेना पड़ेगा, तो उसको भी लग जाएगा 15 दिन, मान के चलो 10 से 15 दिन FSSI बनाने में लग जाएगा, और उसके पीछे आपको खर्चे हो सकते हैं 2 से 2500 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ पे हिसाब लगाइए कि आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स का ग्रॉसरी का बिजनेस शुरू करने के लिए कितना खर्चा होगा। 5000 रुपये आप वेबसाइट के पकड़ लो, 2500 रुपये आप मान के चलिए FSSI का है, और 2500 रुपये आपके पेट्रोल के इधर उधर जो भी आप कोलैबोरेशन के लिए वहाँ वहाँ जाओगे, तो 10000 में आप एक ई कॉमर्स का ग्रॉसरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेहनत बहुत है भैया, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने प्लान किया, किसी ने वेबसाइट बना दी, 2-4 लोगों से बात किया, हिट हो गया और काम शुरू हो जाएगा। ये सब जब रेडी हो जाएगा तब आपको थोड़ा सा मार्केटिंग करना पड़ेगा आपके एरिया में। अब मार्केटिंग आप कैसे करोगे, बहुत सारे तरीके हैं। इंस्टाग्राम से कर सकते हो पर्टिकुलरली आपके एरिया में, फेसबुक से कर सकते हो पर्टिकुलरली आपके एरिया में, टिकटॉक से भी कर सकते हो, बट मैं इंसिस्ट नहीं करूँगा टिकटॉक से करो, ठीक है। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, फेसबुक से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, इंस्टाग्राम से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, गूगल से भी कर सकते हो, गूगल में भी अवेलेबल होता है ग्रॉसरी स्टोर नियर यू, तो उसमें भी आपकी अगर ऐड आ जाती है कि बाय ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर एंड गेट डिलीवरी इन 4 आवर्स, तो बंदा वहाँ पे आएगा, क्लिक करेगा, सारे प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करेगा। अब होगा क्या कि 4 आवर्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है हमें भी नहीं मालूम, बहुत जगह पे हमने भी देखा है 4 आवर्स बोलते हैं, बट नेक्स्ट डे का डिलीवरी का कमिटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटा आपका बिजनेस जो है वो 10-12 हज़ार रुपये में स्टार्ट हो जाता है ग्रॉसरी का, और कुछ लड़के आपको रखने पड़ेंगे ऑब्वियसली, एक छोटी सी जगह भी रखनी पड़ेगी जहाँ पे आप पैकिंग शैकिंग कर सकें और डिलीवरी का प्लानिंग कर सकें, ठीक है। और उतना बड़ा कोई वेयर हाउस या जैस बिल्डिंग या फिर उतना हाईफाई स्टाफ या पढ़े लिखे MBAs की ज़रूरत नहीं है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, बहुत बेसिक और कॉमन बिजनेस है और इसको कोई भी कर सकता है, मतलब अंडर ग्रेजुएट है बंदा तो भी कर सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है तो भी कर सकता है, बस उनको सिस्टम की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा काम था कि आपको एक जस्ट ओवरव्यू, एक आइडिया देना, करना ना करना ये पूरी तरह से आपके हाथ में है, तो आप इसको डिसाइड करें करना है कि नहीं करना है। थोड़ा सा रिसर्च करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, देने वाले बहुत कम हैं, ठीक है। और अगर आप साथ साथ ऑर्गेनिक्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, रियल में ऑर्गेनिक, सिर्फ कहने के लिए नहीं, तो सोने पे सुहागा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और ऐसे वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा आपकी क्या राय है अबाउट ऑनलाइन ग्रॉसरी बिजनेस, आपको क्या लगता है ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं चाहते हैं लिखिए, कमेंट बॉक्स आपका है, भर दीजिए। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।